भाई खट्टर ही बनेगा, खट्टर बनेगा, खट्टर की लहर फैल रही है। अच्छा, सरकार ने कुछ नहीं छोड़ रखा, काम सारे कर रखे, सारे काम कर रखे। आम का तो कुछ कुछ नहीं कर खेड़ा को, आम का नहीं दाना। खट्टर ने गृह मंत्री बनवावा गए, मोदी दौरे चलिया जाएगा, मोदी का ही जोड़ीदार है। एक तरफा भाई सीधा सीधा जमा, टक्कर में तो कोई नहीं, टक्कर में निराला निकलेगा, निराला निकलेगा। बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां मैं इसने दिया, यू भी एक बढ़िया काम था। अगर मोदी के हिसाब से है चले तो लोग खट्टर मनोहर लाल जी को जिता देंगे। खट्टर के हिसाब से तो आएगा और मोदी के हिसाब से बनेगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का सत्य खबर पर। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। अभी मैं करनाल लोकसभा के फफड़ाना गांव में हूं और मेरे साथ अभी कुछ बुजुर्ग मौजूद हैं। हम बातचीत कर लेते हैं कि मनोहर लाल खट्टर को यहां से टिकट मिली है और कांग्रेस से क्या कुछ मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या क्या कुछ लगता है आपकी बार क्या रहेगा? भाई खट्टर बनेगा, खट्टर बनेगा, खट्टर की लहर फैल रही है। अच्छा, एक तरफा। अच्छा, आप लोग पहले कांग्रेस में थे तो खट्टर में, खट्टर साहब के पास चले गए वापस, हैं चले गए भाई। अच्छा, तो क्या कुछ खास बात लगी उनकी, क्यों गए? अरे हमारा एमएलए भी गया जिला, उसके गैल हम भी बिक गए। अच्छा, उसके गैल हम भी बिक गए। अच्छा, खट्टर साहब के मतलब 9 साल मुख्यमंत्री रहे, काम काज किसे करे? काम का तो कुछ कुछ नहीं करे खेड़ा को, काम का नहीं दाना। ढूंढे ठा रखे काम के, सरकार ने कुछ नहीं छोड़ रखे, काम सारे कर रखे, सारे काम कर रखे। जमा मुझसे भी कुछ कुछ पड़ा है। फिर के करवाओगे इसके बार खट्टर का? खट्टर ने गृह मंत्री बनवावा गए, मोदी दौरे चलिया जाएगा, मोदी का ही जोड़ीदार है। यू किसे काम लागे? ठीक लागे, जमा काम जमा कर रखी जमा। फिर के होगा इसकी बार आपके साथ बनेगा? नुको है की कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं और एक तरफा इलेक्शन, एक तरफा भाई सीधा सीधा जमा। हाँ जी ताऊ जी, क्या बता रहे थे आप जिले राम शर्मा वाली बात? बीजेपी में लड़ गए हम साले, पहले कांग्रेस में थे, पहला कांग्रेस में थे। तो भाई अभी कुछ और लोग हैं। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, अब की बार मनोहर लाल खट्टर को यहाँ से टिकट मिली है लोकसभा की, क्या कुछ मानते हैं? बढ़िया, अपना अपना बढ़िया सी एम है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काम काज ठीक थे? हाँ, काम काज सब ठीक है, सब ठीक है, काम काज सब ठीक है। हाँ जी, तो क्या कुछ मानते हो, जीत पाएंगे आपकी बार वो? हाँ जीत पाएंगे, पक्की है, एक जीत है। टक्कर में किसको मानते हैं आप? टक्कर में तो कोई नहीं, टक्कर में निराला निकलेगा, निराला निकलेगा, हाँ निराला निकलेगा। हाँ जी, आप क्या कुछ मानते हैं? एक तरफा है भाई, एक तरफा। कौन? खट्टर है, मन मन। अच्छा, बढ़िया काम है, बढ़िया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। तो किसको टक्कर में मानते हैं आप लोग यहाँ पे? किसी कोई टक्कर, कांग्रेस से कौन आ सकता है? वो तो आए पाछा फेरा लगेगा, बाकी कोई टक्कर नहीं, बाकी कोई टक्कर नहीं है। तो गांव में कितनी वोट आपने? गांव में 4000 की, 4000 कुछ है। तो अगर कितनी मानते हैं आप लोग? 3500। 3500 मतलब एक तरफा गाँव है? नहीं, मैंने 3500 पोल हो जाएंगी, 3000 के करीब सीएम मिल जाएगी। 3000 एक तरफा बता रहे हो? एक तरफा। हाँ जी, आप क्या कुछ मानते हैं, आपकी बार क्या रहेगा? एक तरफा खट्टर साहब बनेंगे, एक तरफा खट्टर साहब बनेंगे। अच्छा, बिना पर्ची बिना खर्ची के जो नौकरियां मैं इसने दिया, यू भी एक बढ़िया काम था, बढ़िया काम, बढ़िया काम था बिल्कुल। अच्छा, ऐसा ऐसा सीएम नहीं आना। 9 साल इनके कैसे रहे? बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ, बेदाग और साफ सभी के आदमी, साफ सभी के। चलो दोस्तों, अभी कुछ और अंदर बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ रहेगा। देखो, खट्टर ने तो ऐसे काम, मुख्यमंत्री थे, सम्मानीय कहवांगे, हैं सम्मान के योग्य थे। खट्टर जी ने तो ऐसे काम नहीं करे, लेकिन मोदी को देखते हुए खट्टर का निकल सकता है, इधर से जीत सकते हैं खट्टर, मोदी को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, बस तो बस इतना ही। तो अब की बार क्या कुछ रहेगा उनका यहाँ पर?
हो जाएगी, पर अगर मोदी के हिसाब से है चले तो लोग खट्टर मनोहर लाल जी को जिता देंगे। अगर मोदी को ध्यान में रखा खट्टर जी को कल ही नहीं सोचेंगे ना कि भाई खट्टर जी को फिर नहीं चलता काम, फिर नहीं चलेगा, उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं करा। खट्टर के शब्द तो आ रहेगा और मोदी के शब्द बनेगा, बस मोदी को ध्यान में लेकर चलेंगे तो जिता देंगे। खट्टर मोदी के अकेले के हिसाब से नहीं चलेगा। कांग्रेस का क्या कुछ रहने वाले यहाँ पर? भाई कांग्रेस का तो कोई वो नहीं चल रहा, क्योंकि उनके एक लीडर है ना जो योग्य लीडर नहीं है, राहुल गांधी जी योग्य नहीं समझते लोग, बच्चा ही समझता अभी तक उनको, इसलिए उनका मुश्किल है। हाँ बस ये अजय मोदी के हिसाब से तो मनोहर लाल खट्टर जी बनेंगे और बनाएंगे, जो उसका शाब के है जी, लाहिर है जी, बिल्कुल है जी, पार तो उसके मुकाबले मानता ही नहीं जी कोई। जैसे पिछले गर्व वो भाटिया जी बने थे नहीं, सब देश में सबसे ज्यादा लीड थे उसकी, इसी तरह ये बनेगा जी। हाँ जी काम करवाओ जी और वोट लो जी। 9 साल के काम काज कैसे लगे आपको? बढ़िया काम है जी, इसीलिए तो ऊपर गए है वो, दोबारा बन गए तो इसीलिए तो संसद में बैठेंगे जी। अच्छे काम किया तो वरना यही रहने दे। तो दोस्तों ये थी फफड़ाना के लोगों की राय, और आपने देखा कि ये तकरीबन यहाँ के बुजुर्ग का जो बीजेपी की साइड है। आपको इस वीडियो में क्या कुछ खास बात लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा सहयोगी विकास सैनी के साथ अंशुल शर्मा। सत्य सटीक बेबाक।